मजलिस ने नांदेड़ के लिए बल्दी इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए कमर कस ली है। नांदेड़ में असदुद्दीन अवैसी के खिताब के बाद गोया नांदेड़ बल्दी इलेक्शन के लिए मजलिस की इलेक्शन मुहिम का आगाज हो चुका है। नांदेड़ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शन के लिए 11 अक्टूबर को वोटिंग होगी, जबकि नतायज का ऐलान 12 अक्टूबर को होगा। नांदेड़ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की 81 सीटों के लिए ये इलेक्शन हो रहा है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नांदेड़ म्यूनिसिपल इलेक्शन में एक बड़ी ताकत के तौर पर हिस्सा लेगी। नांदेड़ की जुमला 5 लाख आबादी में मुसलमानों की आबादी 30% है। नांदेड़ के 25 वार्ड मुस्लिम अक्सरियती आबादी वाले वार्ड हैं। वोटों की तकसीम को अगर रोका जाए तो 25 वार्ड्स पर मजलिस के उम्मीदवारों की कामयाबी को यकीनी बनाया जा सकता है। मजलिस ने 2012 के इलेक्शन में पहली मर्तबा हिस्सा लेते हुए 11 सीटों पर कामयाबी के साथ तीसरा मुकाम हासिल किया था, जबकि एनसीपी 10 सीटों के साथ चौथे मुकाम पर थी। बीजेपी महज 2 सीटों के साथ 5वें नंबर पर थी, जबकि एमएनएस का नांदेड़ से मुकम्मल तौर पर सफाया हो चुका था और कांग्रेस ने 41 सीटों पर कामयाबी हासिल करते हुए कारपोरेशन पर कब्जा किया था। कांग्रेस के बाद शिवसेना 14 सीटें हासिल करते हुए दूसरे नंबर पर रही। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने पहली बार म्यूनिसिपल इलेक्शन में हिस्सा लेते हुए 11 सीटों पर कामयाबी हासिल करते हुए तीसरा मुकाम हासिल करके सबको हैरत में डाल दिया था और 2017 के इलेक्शन में भी मजलिस ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतकर सबको चौंका सकती है। हैदराबाद न्यूज़ urdu.com